फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन शिफ्ट होके 1, -2 बन गया तो फिर 4, 5 शिफ्ट होके क्या बनेगा। तो देखो, अगर कभी भी ओरिजिन कितना होता है, 0, 0 होता है मूल बिंदु, ये अगर कभी स्थानांतरित होके एच कॉमा के बन जाए और हमसे पूछा जाए कोई पॉइंट एक्स कॉमा वाई, उसके नए कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस एच हो जाएंगे और वाई माइनस के हो जाएंगे। इस फॉर्मेट को आप याद रखना हमेशा, ठीक है। तो अगर एच और के की वैल्यू कितनी है, 1, -2 है, तो नया निर्देशांक जो एक्स डैश वाई डैश होंगे वो क्या होंगे, एक्स माइनस एच यानी कि 4, -1 यानी कि 3, वाई माइनस के, वाई का मान 5 और के का मान -2, तो 5 -2 और -2 +2 हो जाएगा, 5 -7 हो जाएगा, तो 3, 7 इसके नए कोऑर्डिनेट हुए। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है। वो कहेगा कि अगर 4, 5 शिफ्ट होके 3, 7 बन गए, ये दो डेटा क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, हो सकता है, और कहेगा कि मूल बिंदु कहाँ शिफ्ट होगा, तो आप इसी फॉर्मूले से कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर ए बी सी एच पी में है, हार्मोनिक सीरीज में है, तो फिर इस ये जो लाइन है वो किस पॉइंट से होके पास होगी, उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईली चांसेस हैं कि ये आएगा। अगर ए बी सी हार्मोनिक सीरीज में है, हरात्मक श्रेणी में है, तो 2/b बराबर क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b। होता क्या है, ए पी का उल्टा ही तो एच पी होता है, तो ये रिजल्ट हो जाएगा इसमें 1/c। तो इसमें अगर हम 1/c की वैल्यू निकालेंगे तो वो 2/b माइनस 1/a हो जाएगी। बस इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, x/a प्लस y/b प्लस 1/c को हम लिख देते हैं 2/b माइनस 1/a। हमने यहाँ पे 1/c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि ये एच पी में थे तो ये रिलेशन बहुत फेमस है। अब ये बराबर 0। अब यहाँ पे देखो, इसमें और इसमें हम 1/a कॉमन लेते हैं तो हमारा एक्स माइनस ए बचा, इसमें और इसमें 1/b कॉमन ले लेते हैं तो वाई प्लस 2 बचा। ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0। अब ये 0 कब होगा, अगर ये एक्स माइनस एक 0 हो जाए तब, और वाई प्लस 2 0 हो जाए तभी तो ये 0 पॉसिबल है, यानी कि x-1 = 0 होना चाहिए। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1, ठीक है। सिमिलरली y प्लस 2 भी हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए, y प्लस 2, तो y का मान आएगा -2, कितना आएगा, -2। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1, -2, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हुआ, 1, -2। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दूँ, ए बी सी एच पी में थे, ये बहुत स्पेशल रिजल्ट है। 2 अगर एच पी में है, 3 संख्याएं, तो वो ए पी का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/b बराबर 1/a प्लस 1/c। यहाँ से 1/c की वैल्यू निकाली, इसको हमने इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया बहुत जल्दी। फिर हमने जब 1/a कॉमन लिया तो ये बचा। अब ये बराबर 0 है, मतलब RHS 0 कब हो सकती है, जब ये 0 हो, ए का मान कुछ भी बना रहे, अगर ये 0 है तो ये 0 बना देगा, यानी कि x-1 हमारा 0 होना चाहिए। x का वैल्यू 1 आया, हमें आगे निकालना भी नहीं था, क्योंकि ये भी -1 है, ये भी -1, ये भी -1, तो वैसे कर भी सकते थे आप, तो राइट आंसर हो गया 1, -2। थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें 1+x^p+q के प्रस्तार में, ठीक है, इसके एक्सपेंस में x^p का कोफिशियंट और x^q का कोफिशियंट क्या होगा, इक्वल होंगे या मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन उनमें साइन अगेंस्ट होंगे, निगेटिव होंगे, या एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, या नन ऑफ दीज। तो देखो, आप एक बात बताओ, जनरल क्या होता है, TR+1 का फॉर्मूला क्या होता है, TR+1 का फॉर्मूला होता है NCR, x^n-r और a^r, ये होता है, बताया फॉर्मूला लिख के, इसलिए बाकी ये तो बड़ा सरल था, क्योंकि x^p का गुणांक होता है वो क्या होता, NCR यानी कि p+q c p, और इसका गुणांक x^q का गुणांक सिमिलरली कितना हो जाएगा, NCQ यानी कि NCQ। अब देखो, ये दोनों क्या है, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ P है, यहाँ Q है, तो ये इक्वल नहीं हुए, भाई इक्वल हुए, क्यों, क्योंकि NCR बराबर क्या होता है, NCN-R, यानी कि अगर कहीं 10C6 लिखा है, 10C6, तो उसको हम 10C4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि NCR बराबर NCN-R, यानी कि 10-6 होता है, यानी कि अगर इसी में ये फॉर्मूला लगाएं तो यही तो आ जाएगा, क्योंकि अगर NCR बराबर NCN-R, यानी कि p+q में से p घटाएंगे तो q बचेगा, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल लिखी हुई हैं इस फॉर्मूले से, तो इसलिए दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। और मैं एक बात और बताऊं आपको, कि मैं बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि मैं शुरुआत से मैथ नहीं पढ़ा पाया, तो अभी मैं अगर कॉन्सेप्ट कराने लग जाऊं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं कुछ ऐसे टाइप करा रहा हूं आपको, जो आप ट्रस्ट में बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में, भले डेटा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियोज़ में से, जैसे 11-12 वीडियो हो चुके हैं और एग्जाम तक कोशिश करूँगा 20 वीडियो हो जाए मैथ के, तो इन 20 वीडियो में से आपको देखना 4-5 क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे। पॉजिटिव टर्म्स वाली एक जीपी है, उसमें प्रत्येक पद जो है वो अगले दो पदों का योगफल का बराबर है,
तो इस श्रेणी का जो सार्व अनुपात होगा, कॉमन रेशियो होगा, वो क्या होगा। बेसिकली वो क्या कह रहा है कि अगर पहला टर्म ए है तो दूसरा ए आर स्क्वायर होता है, तीसरा ए आर होता है, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ऐसे होती है जीपी। लेकिन उसने कंडीशन दी है कि जो फर्स्ट टर्म है वो आपका नेक्स्ट दो के इक्वल है। नेक्स्ट क्या होगा, एक ए आर होगा और एक ए आर स्क्वायर होगा। ये कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि पॉजिटिव टर्म्स वाली एक जीपी है, उसका प्रत्येक पद, हमने पहला पद अगर माना तो अगले दो पदों के सम के बराबर कर दिया, हमने कर दिया। अब अगर इसमें ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन ले लेंगे आरएचएस में, तो क्या बचेगा, आर प्लस आर स्क्वायर बचेगा। अब ये ए इससे कट जाएगा तो इधर एक बचेगा, यानी कि क्या मिल गया, अब हमें फाइनली मिला आर स्क्वायर प्लस आर माइनस वन बराबर जीरो, क्योंकि ये वन उधर जाएगा तो माइनस वन बराबर जीरो। यानी कि हम लिख सकते थे, जो स्टेटमेंट गिवन थी उससे हम लिख सकते थे आर स्क्वायर प्लस आर माइनस का वन बराबर जीरो, ठीक है, माइनस का वन बराबर जीरो। अब इसका कॉमन रेशियो हमें आर ही तो फाइंड करना है। एक बाइनोमियल इक्वेशन लिखा है, आपका द्विघात समीकरण लिखा है, उसका अगर हम श्रीधराज, वैसे तो इसको सॉल्व करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है एक कैसे गुणनखंड करो कि घटाने पे एक आए, पॉसिबल नहीं है। तो श्रीधराचार्य जी ने एक दिया था कि अगर सीधा हमें आर निकालना है वो कैसे निकाल सकते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए। मैथ पढ़ते हो तो ये फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी अब बहुत ज़रूरतें पड़ती हैं। आर का कोफिशियंट क्या है, यहाँ पे एक है तो बी का मान एक है, तो माइनस का एक प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब आर का गुणांक कितना, एक का स्क्वायर एक, माइनस फोर आर, ए का मान भी एक, सारे ही वैल्यू ए बी सी सभी मान एक एक हैं, तो ए सी का मान एक है तो एक का चार में गुणा होगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो एक बटे आपका, सॉरी सी का मान माइनस एक है तो यहाँ पे ये माइनस एक है, सी का मान कितना है माइनस एक है, तो ए सी का गुणा माइनस एक दे देगा बटे टू ए, मतलब टू ए का मान एक। अब ये कितना मिला, माइनस का वन प्लस माइनस अंडर रूट, अब माइनस माइनस ये प्लस बना देगा तो चार और एक पाँच बन जाएंगे, पाँच बटे दो। अब यहाँ पे एक चैलेंज है कि ऑप्शन तो हमें यह पता चल गया, या तो डी है या तो ए है, क्योंकि ये दो तो एलिमिनेट हो गए, लेकिन अब कौन सा रखें। इन्होंने कहा है पॉजिटिव टर्म्स वाली जी पी है, पॉजिटिव टर्म्स वाली है तो नेगेटिव को हम रिजेक्ट कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट पाँच माइनस वन बटे दो, यानी कि एक बटे दो अंडर रूट पाँच माइनस वन, डी हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि अंडर रूट पाँच ये माइनस चिन्ह ले, प्लस माइनस को भूल गए, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्म तभी हो सकते हैं जब अगर हम माइनस वाला ले लेंगे तो माइनस पाँच माइनस पाँच माइनस वन हो जाएगा जो कि नेगेटिव आएगा नहीं, तो हमें पाँच पॉजिटिव लेना पड़ा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स वाली जीपी थी। वैसे तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर याद होगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रहा हूँ, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको हर प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ ये बात। आप मार्केट का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लो, चाहे अरिहंत का, करतार का, विद्या का, और बहुत सारे आते हैं, एक अग्रवाल का आता है, और मतलब जितने भी प्रैक्टिस सेट आप उठाओगे, ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इनमें 80% क्वेश्चन आपको उन प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। आप किसी भी वेबसाइट से, किसी भी ऐप पे मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप अगर ट्रस्ट करते हो तो बस पढ़ते रहो, मन लगा के जो मैं बता रहा हूँ उसको तैयार करते रहो, आप फ्लाइंग कलर से इस बार पास हो गए। स्पेशली फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में मैंने जितनी मेहनत करी है तो मैं ये गर्व से कह सकता हूँ ये बात कि कोई फिनोमेना, कोई कॉन्सेप्ट 20 क्वेश्चन में तो गारंटी है कोई बाहर से अगर क्वेश्चन आ जाए, और ये आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम हॉल से निकलोगे। 1000 पृष्ठों की एक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या क्रमागत है, पृष्ठ की संख्या के अंकों का योग 9 हो जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता क्या होती है, आपका पहले इसके सैंपल स्पेस अगर बनाओगे, वैसे सब नहीं बनाने, बस आपको मैं समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आता है। अब देखो, अगर 9 करना है तो एक डिजिट में क्या कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 से 9 तक केवल एक पॉसिबिलिटी है, कौन सी, 9 वाली एक पॉसिबिलिटी है। आप दो डिजिट में बात करें, आप 10 से स्टार्ट करें 99 तक, तो हर लाइन में आपको एक मिलेगा, जैसे 11 वाली लाइन में आपको 18 मिलेगा, फिर आपको मैं समझा रहा हूँ बस 27 मिलेगा, फिर ऐसे 36 मिलेगा, ऐसे 45, हर लाइन में एक मिलेगा, मतलब यहाँ तक 9 ये मिलेंगे, और तीन डिजिट के आपको 45 मिलेंगे। अब आप चाहे इसको याद रख लो, क्योंकि इतने सैंपल स्पेस बनाना पॉसिबल नहीं है, और ये एग्जाम पूछा गया है, जिस भी एग्जाम में पूछा गया है तो उसमें भी वही कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो इतना टाइम नहीं था कि आप उसके सैंपल स्पेस बनाओ, इसको जल्दी से आपको सोचना था। सबसे पहले आप 100 से 200 तक 9 होंगे, फिर 8 होंगे, एक कम होता चला जाएगा, जैसे ही आप 900 से 1000 के बीच में जाओगे, 900 से 1000 में वो केवल एक होगा, सबसे लास्ट तक आते आते एक, वो 9 वाला, क्योंकि आप 9 से बड़ा वो सभी संख्याओं का सम 9 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसमें जो इन 9 से स्टार्ट करके सब जोड़ोगे जब सक्सेसिव टर्म्स है तो 45 मिलता है। तो 45 और 1 46 और 9 6 9 15 यानी कि 55,
अब इस क्वेश्चन को अब मैंने थोड़ा एक समझाने की कोशिश करी थी, बाकी इसको याद कर लो यार। अनुकूल परिस्थितियाँ 55 बटे टोटल परिस्थितियाँ 1000, तो प्रोबेबिलिटी 55 बटे 1000। कई बार इसको ऑप्शन ये ना होगा तो क्या होगा, 11 बटे 200। मुझे तो याद तब से है जब मैं तैयारी करता था और आज तक है। तो आप लोग भी इसी तरह से पढ़ो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उन वो आपको दिमाग में सेव होने चाहिए। जब इसको 5 से कट करोगे तो ये 11 बटे 200 आता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया तो सीधा मार्क कर देना। अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें ए इनवर्स बराबर एक एडजॉइंट ए बटे के दिया हुआ है, तो के का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो पता हो आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे मॉड ए, यानी कि जो के है वो ए का मॉड ही तो है, यानी कि इसका जो मॉड होगा वही तो आंसर होगा। तो इसका मॉड आपको निकालना जल्दी आता है या नहीं वो यहाँ पे चेक करना है। तो 3 को लिया तो 3 का ये छोड़ के आप गुणा करोगे तो 2, और माइनस पहले से ही लगा है तो +1, ठीक है। अब हमने माइनस का 2 लिया तो ये 2 वाला छोड़ा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, वो अपने लेवल से भी आप कर लेना, और इधर 0। फिर हमने 4 लिया, प्लस का 4 लिया तो इधर मल्टीप्लाई करा तो 1 हो जाएगा। तो जब इनको सम करोगे तो 3 का गुणा 3 में होगा 9, माइनस 2 प्लस 4, यानी कि हमारा 11 राइट आंसर आ जाएगा। डी इसका राइट आंसर है। तो इसमें मैंने ये जो समझाया है ये मैंने अपने लेवल से किया है, बाकी आप कैसे निकालते हो मॉड वो आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल बस ये है कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ चुका है। ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एक, अगर x एक रियल नंबर है तो इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, और अगर एक अधिकतम आयतन वाले एक शंकु को एक स्फीयर के अंदर बनाया गया है, ठीक है, ऐसा है कुछ केस, ऐसे एक स्फीयर है उसके अंदर एक मैक्सिमम वॉल्यूम वाला हमने कोण बनाया है, तो फिर हमें क्या करना है शंकु। ये क्वेश्चन स्टार मैं बता रहा हूँ यार, बार बार कहूँ मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। आज के जितने क्वेश्चन हैं उन पे आप बहुत अच्छे से इनकेस आज क्या मतलब आज से पहले जो 11 वीडियो आए हैं और अभी और जो 11 वीडियो आए, लगभग 8-9 वीडियो आएंगे, इन 20 क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन आप कहीं से जहाँ से पढ़ते हो शॉर्ट ट्रिक या किसी भी तरीके से, मैं तो कहूँगा इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आपको वो आपको वक्त बताएगा कि क्या होता है, ठीक है। तो क्या है कि ये केस है, मतलब एक स्फीयर में एक मैक्सिमम वॉल्यूम का शंकु बनाया है, तो शंकु की हाइट और गोले का डायामीटर, यानी कि इसका स्फीयर का जो डायामीटर होगा, ठीक है, और ये शंकु की हाइट, तो इन दोनों में जो रेशियो है वो 2-3 अगर याद है आपको तो अच्छी बात तब है जब आपको ये पता है कि ये कैसे आता है। तो मैं हर वीडियो में अपने में कुछ आपसे पूछता हूँ, तो आज मैं ये दोनों आखिरी क्वेश्चन आप पे छोड़ रहा हूँ, इनको आप करना, और हो सके तो अपने और भाइयों को और फ्रेंड्स को इनका टेक्निक्स भी बताना, क्योंकि हर लड़का एक अपने अपना एक ट्रिक रखता है, कोई कहाँ से पढ़ रहा है कोई कहाँ से पढ़ रहा है, तो इसमें आप कौन सी ट्रिक लगा के, अगर इसको आप 3 मिनट में कर रहे हो दोनों को 3-3 मिनट में, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था मैथ का छोटा रिचार्ज, और इसी तरह से अप्रिशिएट करते रहना, प्यार बनाए रखना यार। और एक बात और बता दूं, लक्ष्य एयरफोर्स को आप लोग जिस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हो, कभी कल रात को मुझे एक फीलिंग आई थी, एक डेंज मतलब मेरे पे एक मेल आया, मतलब वो इनवैलिड मतलब फ्रॉड का मेल था, उस पर अगर मैं क्लिक कर देता मुझे चांसेस था कि कल मेरा चैनल हैक हो सकता था, रात में होते होते बचा। तो मैं आप लोगों से एक बात बताना चाह रहा हूँ, एक बार बता भी चुका हूँ कि अभी क्या है कि चैनल जैसे जैसे ग्रो हो रहा है तो एक चीज़ का खतरा भी बढ़ता है, जब कोई चैनल ग्रो होता है तो उस पर क्या होता है कि हैक होने का खतरा बढ़ता है। अगर कभी भी मेरा इन फ्यूचर चैनल बंद हो जाएगा या कोई बात हो जाए, तो आप सिंपली सर्च करना अनुराग चतुर्वेदी, याद रखना, ठीक है, मैं पढ़ाना कभी नहीं छोड़ूंगा, अनुराग चतुर्वेदी फिजिक्स, अनुराग चतुर्वेदी मैथ। तो मैं आपको अगर नए चैनल बनाऊंगा अभी तो इन्हीं नेम से बनाऊंगा, आप ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना। अगर लक्ष्य एयरफोर्स चैनल आपको कभी ना मिले इन फ्यूचर पहले, तो आई विश कि ऐसा ना हो, लेकिन इन केस अगर हो जाए तो आप हमेशा भविष्य में याद रखना, पहली बात तो सिलेक्शन लेके निकल जाओ, इस बार अच्छी बात है, लेकिन अगर इस बार सिलेक्शन नहीं होता है और आपके पास और अटैम्प्ट है, और अगर आपको कभी मेरी याद आए भविष्य में कि उन सर को अगर आप कभी मिस करो, तो सीधा आप यूट्यूब पर सर्च करना अनुराग चतुर्वेदी फिजिक्स, अनुराग चतुर्वेदी मैथ। अगर मैं चैनल बनाऊंगा तो इन्हीं में से कोई एक नेम से बनाऊँगा, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि YouTube पे ट्यूटर की कमी है या रिसोर्सेज की कमी है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप। प्ले स्टोर पर सर्च करना अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड करोगे तो उसमें डिफेंस की जब कैटेगरी आप चूज़ करोगे तो उसमें बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे वहाँ पे कोर्सेज होते हैं, फ्री कोर्सेज भी होते हैं और पेड कोर्सेज भी होते हैं, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हो। वो एक लर्निंग ऐप है, वहाँ पे बहुत सारे लर्नर्स मिलते हैं, क्विज होती हैं, ऑल इंडिया क्विज होती हैं, आपको जो चैम्पियनशिप होती रहती हैं बहुत सारी, आपको स्कॉलरशिप का भी मौका मिलता है, तो एक बार जाके विजिट कर लेना। और अगर आप इन फ्यूचर कोई भी कोर्स खरीदते हो तो हमारा रेफरल कोड यूज कर लेना लक्ष्य 12, अगर लक्ष्य 12 आप रेफरल कोड यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा।